हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास असाइनमेंट 1G। दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ये जो एक्सरसाइज है आपका, ये आपके पिछले टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने कल पढ़ाया था। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के बारे में हमने पढ़ाया था ना, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा तो आप ये क्वेश्चन बड़े ईजली से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लास वर्क में क्या करेंगे? सबसे पहले हम CW लिखेंगे क्लास वर्क में, लेसन नंबर, लेसन नेम, एंड आफ्टर दैट राइट द एक्सरसाइज नेम, ओके, एंड रीड द क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। चलिए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म नंबर्स यूजिंग द टू डिजिट्स गिवन बिलो, देन कंपेयर द नंबर्स आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो डिजिट दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमको इनको यूज़ करना है नंबर्स को बनाने के लिए, उसके बाद हम इनको कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, नंबर्स को बनाने के बाद इनको हम कंपेयर भी करेंगे। सो देखें, अब हम इसको नंबर्स में कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन दो डिजिट को हम कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 and 6 को क्या करेंगे, हम पहले 7 and 6 को हम 67 कर देंगे। ठीक है, फिर 67 से हम 76 कर देंगे। देख रहे हैं, हमने 6 क्या किया, 10th प्लेस पे रखा है और 7 को 1st प्लेस पे रखा है, तो इससे से करते हुए हमें एक नंबर मिला। ठीक है, ये नंबर मिल गया, तो हम दूसरा नंबर कैसे बनाएंगे, इसी की हेल्प से दूसरा नंबर बनाएंगे जो 67 है। तो क्या कर देंगे हम, 67 को जो 10th प्लेस पे है उसको हम 1st प्लेस पे लिख देंगे, और जो 1st प्लेस पे 7 है उसको 10th प्लेस पे लिख देंगे, 76 इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। आप ये देख रहे हो ग्रेटर देन का साइन है ना, इसको हम ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं ना। ये जो V का जो ओपन पोर्शन है जिसके साइड रहता है, उसको क्या करता है, वो उसको ग्रेटर देन बना देता है, उसको वो ग्रेटर देन शो करता है, उसको ग्रेटर शो करता है, बड़ा शो करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर देन साइन है, तो इसके सामने हमें बड़ा नंबर रखना होगा ना, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो कंपेयर करने पे सही रहेगा ना। तो 67 में से कौन सा ग्रेटर है, 76, तो हम 76 को इधर रखेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन जिसके सामने रहेगा उसी के सामने बड़ा नंबर रहेगा ये, तो हमने 76 रखा। अब इसके सामने हम छोटा नंबर रखेंगे, क्योंकि ये लेस देन का साइन है। ठीक है, ये जो क्लोज पोर्शन है बी का जिसके सामने रहेगा वो छोटा नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 76 हुआ। तो कंपेयर करने में क्या पता चलता है कि 76 जो है 67 से बड़ा है। ठीक है, इसी से हमने कंपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 86 है, ठीक है, 8 and 6 है, तो हम इसे पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 86 बनाएंगे। ठीक है, हमने ऊपर क्या किया था, 67 किया था। ठीक है, तो हम इसको पहले रखेंगे, 8 को हम क्या कर देंगे, इधर रखेंगे, 10th प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, तो 68 हुआ। अब हम 10th प्लेस वाले 6 को क्या करेंगे, 1st प्लेस पे रख देंगे, और 8 1st प्लेस वाले को हम 10th प्लेस पे रख देंगे। ठीक है, 68 86 दो नंबर बन गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन साइन के सामने बड़ा नंबर होना चाहिए, तो हम ये बड़ा नंबर रखेंगे, 86 और 67 को इधर लेस देन साइन के सामने रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 8 and 2 को 28 करेंगे, फिर इसी तरह इसको रिवर्स कर देंगे इस नंबर्स को हम। ठीक है, 82 कर देंगे, फिर 82 इन दोनों में ग्रेटर, इन दोनों में नंबर कौन सा ग्रेटर, 82, तो 82 को हम ग्रेटर देन साइन के नीचे रखेंगे, सामने रखेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन साइन के सामने हम 82 को रखेंगे, भी ये बड़ा है। ठीक है, और 28। ठीक है, तो कंपेयर करने में क्या पता चल रहा है कि 82 ग्रेटर देन 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 and 8 57, ओके, फिर 75 ग्रेटर देन साइन के नीचे है, सामने हम क्या रखेंगे, 75 को, और उसके बाद 57 के इधर लेस देन साइन के सामने 57 छोटा नंबर होगा, और ग्रेटर देन साइन के सामने 75 बड़ा नंबर होगा। तो हमें क्या कंपेयर करने पता चला कि 75 इज ग्रेटर देन 57। ओके,
तो इससे से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉपी में, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्लास असाइनमेंट 1H, क्लियर। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ओके। तो दिस इज सेकेंड एक्सरसाइज, फ्रेंड एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये क्लास असाइनमेंट 1H का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्लास असाइनमेंट 1G का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ वन क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज में सिर्फ वन क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास असाइनमेंट 1H, तो इसमें क्या बोला, कलर ऑल द ऑड नंबर्ड बबल्स ब्लू एंड द इवन नंबर्ड बबल्स ग्रीन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कलर यूज़ करने हैं, तो हमें ऑड और इवन नंबर पे कलर करना है, ऑड और इवन बबल्स पे कलर करना है। तो यहाँ पे क्या बोला, ऑड बबल्स जो होंगे, ऑड बबल नंबर्स जो हैं उन पे हम क्या करेंगे, ब्लू कलर करेंगे, और जो इवन नंबर बबल हैं उन पे हम क्या करेंगे, ग्रीन यूज़ करेंगे। सो टेक द ग्रीन, टेक द ब्लू एंड ग्रीन कलर, ओके। तो हमने ये दो कलर लिए हैं आज, हमने स्केच कलर नहीं लिया है। अगर हम स्केच कलर यूज़ करते तो आप भी देख कर भाई स्केच कलर ही यूज़ करते हो, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये ली हूँ, ठीक है। एक क्रेयॉन है, एक पेंसिल कलर है, ठीक है। तो आपके पास जो भी कलर है स्केच के छोड़ के, क्रेयॉन कलर एंड पेंसिल कलर, ठीक है, तो आप वही यूज़ करेंगे। स्केच कलर आपको यूज़ नहीं करना है बेटा, स्केच कलर यूज़ करने से ना वो पेज में प्रिंट हो जाता है, ठीक है, फिर राइटिंग समझ में नहीं आती है प्रिंट होने के बाद। तो हम ऑड नंबर्स को लेंगे, तो ऑड नंबर को किस कौन सा कलर यूज़ करना है, ऑड नंबर पे ब्लू कलर यूज़ करना है, ठीक है। तो हम ऑड नंबर को खोजेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे, तो कौन कौन से ऑड नंबर है, यहाँ पे 5, ठीक है, 5 ऑड नंबर है। क्यों है 5 ऑड नंबर, क्यों है पता है आपको, क्योंकि इसका 5 का पेयर नहीं बन पाता है और ना 5 जो है डिवाइड हो पाता है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको, जिनका ग्रुप नहीं बन पाता है वो ऑड कहलाते हैं, ठीक है। तो 5 का ग्रुप नहीं बन पाता है तो ये ऑड है। अगर हम ग्रुप बनाएंगे दो दो का करके तो नहीं, दो दो का बनेगा और एक बच जाएगा, नहीं बनेगा, तो 5 ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का भी ग्रुप नहीं बन पाता है, ठीक है, सिंगल है 1, तो 1 ऑलरेडी वो है ऑड नंबर, ठीक है, 1 का कभी ग्रुप नहीं बन पाता है तो 1 ऑड है। अब 3 का भी, 3 भी ऑड है, इसका भी ग्रुप नहीं बन पाता है। अगर हम ग्रुप बनाएंगे, नहीं बनेगा, दो दो का ग्रुप, सिर्फ एक ग्रुप बनेगा और एक ग्रुप में सिर्फ 1 क्या रह जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा, फ्री है, ठीक है, ओके। 3, अब कौन सा इसमें ऑड, 7 है, तो इसमें करेंगे हम ब्लू कलर, ठीक है, 7 है, इसका भी ग्रुप नहीं बन पाता है, दो दो का ग्रुप बनेगा, दो दो का 3 ग्रुप बनेगा, फिर जो लास्ट नंबर होगा वो आपका बच जाता है इसमें, ठीक है, इसका नहीं बन पाता है। फिर 13 है, इसका भी ग्रुप नहीं बन पाता, ये भी ऑड नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद 11 है, 11 भी ऑड नंबर है, इसका भी ग्रुप नहीं बन पाता है, ग्रुप बना के देखना, इसका ग्रुप नहीं बन पाएगा, एक नंबर छूट जाएगा इसमें, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या, तो हमने सारे और नंबर से हमने ब्लू कलर यूज़ किया है, तो अब बचे इवन नंबर, जो इवन नंबर बचे हैं हम उसमें ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, क्लियर। तो हमने ग्रीन कलर लिया है, आप चाहे तो लाइट ग्रीन भी ले सकते हैं, डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ से कोई मतलब नहीं है, ग्रीन होना चाहिए बस, लाइट हो या डार्क कलर हो ग्रीन का, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, इसको कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरह से किया है मैंने, वो फोर टूट रहा लगता है ना, ठीक है, अभी टूट गया। आप इसी तरह बाकी है कलर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको कलर यूज़ करना है और 10 में, 12 में 10 में कलर यूज़ करना है, क्लियर।
तो आप इससे से कर लीजिएगा इसको। कम टू द होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में यही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जो मैंने ये दिया क्वेश्चन यही होमवर्क में दिया है, दो क्वेश्चन इसके, ठीक है। जैसा आपने इस क्लास में सॉल्व किया था वैसे इसमें सॉल्व करना, वही मेथड यूज़ होगा जो आपने क्लास वर्क में मेथड यूज़ किया था, वही उसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन क्लास वर्क का, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, लर्न एंड राइट टेबल ऑफ थ्री। आपको यहाँ पे थ्री की टेबल लर्न करनी है और उसे राइट करना है, ठीक है। तो हम कैसे टेबल लिखते हैं, टेबल हम इस तरह से लिखते हैं। कुछ लोग सिर्फ आंसर लिख देते हैं, नहीं आंसर लिखने से नहीं मतलब है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जो मेथड होता है लिखने का टेबल का वही लिखेंगे आप, ठीक है। तो कैसे लिखा है यहाँ पे, थ्री इंटू वन, थ्री वन जा थ्री, ओके, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन जा थर्टी। क्लियर, ये मैंने टेबल से यहाँ पर रीड कर दिए हैं, आपको पूरा ये पूरा लिखना पड़ेगा, आपको ये थ्री से लेकर वन ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। ये जो लिखने टेबल लिखने का मेथड होता है ये पूरा आप लिखेंगे, ठीक है। आपको शॉर्ट में टेबल नहीं लिखना है, शॉर्ट में टेबल नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप अभी छोटे हो तो आप शॉर्ट में टेबल नहीं लिखेंगे, पूरा टेबल का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। जिससे हम टेबल लिखते हैं पूरा लिखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम में लिखा था शॉर्ट में आंसर लिख दिया तो मैंने नंबर देते हैं, लेकिन इस बार अब अगली बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें नंबर नहीं दूंगी, अगर आपने शॉर्ट में लिखा टेबल तो, ठीक है। आपको बिल्कुल इसी तरह पूरा टेबल लिखना है, क्लियर। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करना है होमवर्क में, और ये क्वेश्चन टू में क्या करेंगे, लर्न एंड राइट टेबल ऑफ थ्री, ठीक है। टेबल ऑफ लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है, थ्री की। बाय।